प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 5, y बराबर मॉड्यूलस x, x बराबर -3, x बराबर 1 व x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि मॉड्यूलस x को दो फंक्शन में तोड़ सकते हैं, प्लस का x और माइनस का x, और इसका जो ग्राफ बनता है वो मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। x बराबर -3 और x बराबर 1 को मार्क करना है, दोनों पॉइंटों को मिलाना है, और चूंकि हम जानते हैं इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। अभीष्ट क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल सी ओ डी सी प्लस क्षेत्रफल ओ ए बी ओ। अब हम जानते हैं सी डी ओ सी जो है वो -3 से 0 है, -3 से 0 है वाई डी एक्स, प्लस 0 से 1 तक वाई डी एक्स। अब -3 से 0 जो है वो ऋणात्मक फंक्शन है, अतः -x dx, प्लस 0 से 1 तक जो है वो धनात्मक है, अतः प्लस dx। x का समाकलन हम जानते हैं x² / 2 होता है, और हमने माइनस को बाहर निकाला तो -x² / 2, इसकी सीमा लगाई -3 से 0, प्लस x का किया x² / 2, 0 से 1 तक। इसे हल करने पर हमें मान प्राप्त हुआ जो है 5 वर्ग इकाई, अतः इसका अभीष्ट क्षेत्रफल होगा 5 वर्ग इकाई।